सो आज का हमारा टॉपिक है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020-21 के लिए हमें तैयारी करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बार अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो अभी वो लोग प्लान कर रहे होंगे 2021 के अटेम्प्ट के लिए, तो उसी से रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था मेंस आंसर राइटिंग और मेंस को लेकर, आज हमारे डिस्कशन रहेगा टोटली डेडिकेटेड टूवर्ड प्रीलिम्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रीलिम्स के ऊपर डिस्कशन किया जाए। गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को एक शायरी से। मुझे ये शेर बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम इन द कंट्री। और वो शायरी ये है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बहुत सारे लोगों ने इस बार बहुत सारे एफर्ट्स लिए होंगे प्रीलिम्स को लेकर, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती और हमें रिसीविंग एंड पे उन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो हताश ना हो, निराश ना हो, ठीक है, और आगे बढ़ते जाए, प्रिपेयर करते रहे, ठीक है, कि इस बार नहीं तो अगली बार ही सही, ठीक है, आप मुझे लगता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। इस साल का जो पेपर था नो डाउट बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। मैंने कुछ एनालिसिस किया था इस साल के पेपर का, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि 2020 का प्रीलिम्स जो था वो थोड़ा सा लिटिल बट ऑन अ हायर साइड, वो टफ था, टफर साइड था वो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को इसमें डिफिकल्टी आ रही होगी, और जो कन्वेंशनल पेपर आता था कि जिस तरीके से मतलब क्वेश्चंस आते थे कन्वेंशनली के करंट अफेयर एक अच्छा खासा डायरेक्टली आ जाता था, स्कीम्स पे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाते थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते थे, आपको डायरेक्टली हिस्ट्री से सिंपल जो हिस्ट्री अवेलेबल है उसी से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाते थे। लेकिन इस बार जो था यूपीएससी वो कोर स्टैटिक की तरफ ज़्यादा गया है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी हुई होगी, ठीक है। स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस था इस बार के पेपर में, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्रीकल्चर से थे, ठीक है। करंट अफेयर पे इस साल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारा कन्वेंशनली बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे विजन से लग जाते थे, या जो डायरेक्टली अवेलेबल करंट अफेयर के कैप्सूल्स होते थे उनमें से हमें मिल जाते थे। तो इस साल शायद यूपीएससी ने क्या पता ये रिसोर्सेज को देख लिया हो तो उसने इनमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे, ठीक है। और इंटरनेशनल बॉडीज जो थी या एनवायरमेंटल रिलेटेड बॉडीज जो थी जो कन्वेंशनली पूछी जाती थी, यूएनडीपी है, यूएनएफसीसी है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, तो आईएमएफ है, इन सब या इकोनॉमिक बॉडी और एनवायरमेंटल बॉडीज, इन सब का भी जो आप अगर क्वेश्चन पेपर में देखोगे 2020 के तो बहुत सारा पोर्शन इसमें नहीं पूछा है। पॉलिटी इजी था, लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली आंसर हो जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और अगर आप पॉलिटी आपने अच्छे से किया है तो आप आंसर कर सकते हो। एक जो 2021 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें अपनी स्ट्रेटजी में जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर, इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, माइट बी CCRTs का यूज़ करना पड़ेगा, और शायद इससे थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जैसे कि अगर मुझे लगता है कि उसको बुक से प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके साथ में जो दोस्त है उनके साथ में बैठो और आप है ना टूर प्लान करो, ठीक है, एक स्टेट आप निकालो जैसे कि आसाम, ठीक है, आसाम में घूमने के लिए कौन सी जगह है, ठीक है, कि जहाँ पर जाकर आप अच्छे से घूम सकते हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, एनवायरमेंटली इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है, या कल्चरली जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है, इन सब की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आप अपने दो तीन दोस्तों के साथ में बैठे और एक एक स्टेट उठा के उसको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको कि जैसे आप एक टूर प्लान कर रहे हो,
कि आपने टूर प्लान किया कश्मीर में, तो कश्मीर में कितनी सारी चीजें हैं जहां पर आप घूम सकते हो, ठीक है, आप घूमने जा सकते हो। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा यूपीएससी को लेके अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर अगर आप देखोगे तो पेपर आपका बुकिश नॉलेज ना चेक करते हुए कहीं ना कहीं ये चेक कर रहा है कि आप मतलब थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंगली देखते हो या नहीं देखते हो। आप देखोगे कि एक आईएफएस ऑफिसर ने एलिफेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ट्वीट की थी, तो वो क्वेश्चन बन गया है। खैर, ऐसे क्वेश्चन तो एक्सेप्शनल है, बट ओवरऑल आपको प्रिपेयर करने का अप्रोच मुझे लगता है मैप बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा कि आप टूर प्लान करो, एक एक स्टेट उठाओ और या तो वहां की टूरिज्म वेबसाइट जो होगी उसको उठा के वहां से प्रिपेयर कर लो कि यहाँ पे कितनी कल्चरली इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो उनको आप फिर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो देखो, हमेशा हम ये कह रहे होंगे या हम ये देख रहे होंगे, ठीक है, कि पेपर डिफिकल्ट लग रहा था सबको, लेकिन आप ये बात याद रखना कि पेपर डिफिकल्ट सिर्फ आपके लिए नहीं था, पेपर डिफिकल्ट सबके लिए है, ठीक है। और पेपर डिफिकल्ट सबके लिए है, इट मींस कि कट ऑफ कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जैसा पेपर लास्ट ईयर का था उसके हिसाब से 98 जनरल का कट ऑफ था, तो मुझे लगता है कि इस साल कट ऑफ 95 प्लस माइनस 2 के अराउंड में रहेगा, एज पर माई ओपिनियन, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसे ही आना चाहिए, बट मुझे लगता है कि इसके अराउंड में रहेगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को देखो तो 60 to 64 क्वेश्चंस, ठीक है, 2020 के पेपर में वो मीडियम टू इजी साइड में आते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये देखना होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस पेपर में मीडियम से इजी साइड में आने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो इतने क्वेश्चन काफी है आपको क्वालिफाई कराने के लिए, बिकॉज आप अगर लास्ट के कुछ सालों में देखो तो कट ऑफ जो है वो 50% से कम पे जा रहा है। तो 50% मतलब कि 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस मतलब अगर आप देखोगे 60 to 64 क्वेश्चंस अगर इजी आ रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये 60 to 64 क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ठीक है, रादर देन जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनके पीछे भागने से अच्छा, ठीक है, आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए, गाइस। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय में सबसे पहली जो चीज आती है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि ये डिसीजन कि यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और नॉट, ठीक है। और अगर आपको डिफिकल्टी होती है ये डिसाइड करने में कि यू शुड प्रिपेयर और नॉट, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक है, इकिगाई, ठीक है, एक जापनीज फिलोसफी है ये, ठीक है, उसमें आपको बड़ा अच्छे से हेल्प करते हैं। और ये डायग्राम जो मेरे पीछे यहाँ पे उतारी है मैंने दीवार पे, ये भी उस इकिगाई की है कि इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से हमको हमारे ड्रीम्स को पहले तो समझना चाहिए कि मेरा ड्रीम क्या है और उसके बाद में उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप ये पहले पहले तो ये देखिए कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको करना है तो ही इस फील्ड में आइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बहुत प्रोडक्टिव ईयर को यहाँ पे लूज करते हुए अपनी आंखों से नजरों से सामने देखा है, ठीक है। नो डाउट आप बहुत कुछ सीख जाओगे, वरना बहुत प्रोडक्टिव, लेकिन बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स अगर आपके लॉस हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग यूपीएससी प्रिपरेशन में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि पहले आप डिसाइड करो कि आपको आना है या नहीं आना है, ठीक है। इसमें एक स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, ठीक है, वो आपको मतलब उस तरीके से आपको देखना चाहिए कि टेक अप एन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लीव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, द बॉडी, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, दिस इज द वे टू सक्सेस, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्वामी विवेकानंद का कोट है जो मुझे इंस्पायर किया हमेशा। तो यू शुड ऑल्सो थिंक के ऐसा अगर आइडिया आपका यूपीएससी प्रिपरेशन का है तो यू कैन यू शुड एंटर इन टू द यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। तो 5P मुझे लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला तो पैशन, आपका पैशन होना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन, बिकॉज इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको सस्टेन करना पड़ता है, ठीक है, मल्टीपल फेलियर्स आपको देखने पड़ेंगे। मेरा सिलेक्शन फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ है, उससे पहले मैंने बहुत सारे जो है तो फेलियर्स देखे हैं, ठीक है। तो पैशन आपका होना चाहिए आपको सस्टेन करने के लिए। उसके बाद में सेकंड पी है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक
ठीक है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर इज द की। ठीक है, अगर आप देखोगे यूपीएससी का इस साल का भी पेपर देखोगे तो कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर से डायरेक्टली पूछे गए हैं। आप पॉलिटी के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए कि वो प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए हैं। सेकेंड थर्ड पी है आपका प्रेडिक्ट। ठीक है, आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सी चीजें आ सकती है। थर्ड है आपका प्रिपेयर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से थॉरली प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक एक चीजें नोट्स बना के, मैप्स बना के, शॉर्टकट्स बना के। ठीक है, आपको याद रखने की कोई ट्रिक्स बनानी पड़ेगी और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट पी है, फिफ्थ पी इज परफॉर्म। ठीक है, पैशन, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रेडिक्ट, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। ठीक है, तो ये आइडिया आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद में सबसे पहला जो स्टेज आता है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो सबसे पहला आप काम इसमें ये कीजिएगा कि डिकोड द सिलेबस। ठीक है, 15 to 20 टाइम्स राइट डाउन द सिलेबस एंड थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। ठीक है, आपको सिलेबस बाय डिफॉल्ट याद हो जाना चाहिए। जब भी आप कहीं पे कोई चीज देखे तो आपको एक फिल्टर लगा देना चाहिए माइंड में कि ये मेरे सिलेबस में आती है या नहीं आती है। बिकॉज जो सिलेबस में नहीं है, अगर आप वो प्रिपेयर करने लग जाओगे, बिकॉज ये बहुत वेग चीज है ना यूपीएससी प्रिपरेशन, तो कभी भी आप पटरी से उतर सकते हो। आपको बहुत कॉशियस रहना है, आपको कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी यूज करनी है कि सिलेबस जो है आपका वो आपको बताएगा कि आपकी पटरी कहाँ तक है और आपको उसे उतरना नहीं है। तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपने सिलेबस को भूल गए, ठीक है, और ज्ञान लेने लग गए, तो बिलीव मी, ये 5 ईयर प्लान से भी ज्यादा का प्लान बन जाएगा आपका और आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट आप जो है तो मुझे लगता है ज्ञान बहुत मिल जाएगा आपको, बट आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका हमेशा फोकस जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई करने पे होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर का आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर पे किस तरीके से क्वेश्चंस बना रहे हैं, किस तरीके से यूपीएससी जो है तो ऑप्शन फ्रेम कर रहा है, कहाँ से उसका सोर्स है। हम क्या करते थे कि क्वेश्चन को कॉपी करते थे, गूगल पे पेस्ट करते थे और हम लिखते थे एनसीईआरटी। तो गूगल पे बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप वो सेम लाइन अगर कॉपी करोगे तो आपको वो बता देगा कि कौन सी बुक या कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी वहीं से हो जाएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यूपीएससी भी हर साल क्या करता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो कॉपी कर लेता है। ठीक है, वो खुद भी आपको बताना चाहता है कि आप जो है तो जो भी गलत अप्रोच मार्केट में है, जो आपको मिसलीड कर सकते हैं, उनसे अगर आपको बचना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेना चाहिए। बिकॉज यूपीएससी खुद ही ये कहना चाहता है आपसे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको यूपीएससी के सोर्सेस का पता चलेगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आपके सोर्सेस डिफाइन होंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर सोर्स डिफाइन करने में हेल्प करता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या पढ़ने से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही ये पता चलेगा कि कौन सी चीज को पढ़ना है, कौन सी चीज को छोड़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, जैसे कि हिस्ट्री जो है हमारा 1947 तक जो हिस्ट्री है वो तो सेम रहने वाला है। यूपीएससी ने कितनी बार उनपे इस 40 सालों में क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आप देखो डीपीएसपी पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, फंडामेंटल राइट पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, प्रियम्बल पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, एक सेशन हुआ था 1907 का जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी मॉडरेट में और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, वो सेशन यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो उन्होंने कितनी बार पूछा है। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट पे क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। तो इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको, ठीक है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी है, और कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, कौन सी चीजें लेस इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपको
जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर की अच्छा एनालिसिस कर लिया, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में, एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को पता तो सब होता है, ठीक है, लेकिन दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट भी दे देंगे ना, तो वो दो से ज्यादा, एक एक या दो से ज्यादा पेपर को वो एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको बिलीव मी, अगर आप एनालिसिस अभी नहीं करोगे तो आप दो तीन बार फेल होने के बाद करोगे, लेकिन करोगे यही, ठीक है, क्योंकि तरीका ही यही है, ठीक है। उसके बाद में आपके सोर्सेस है, ठीक है, सोर्सेस आपके क्या होने चाहिए यूपीएससी में, ठीक है। देखो कुछ कन्वेंशनल सोर्सेस है, ठीक है, अभी जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं हो रहे होंगे उन्होंने भी वही सोर्स पढ़ा होगा, जो लोग क्वालिफाई हो रहे होंगे उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली वही सोर्सेस पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन सोर्सेस अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि इस बार भी वही रहेंगे, थोड़ा सा आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, कुछ आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट की है वो ऐड करनी पड़ेगी अपने अप्रोच में, अपनी रिसर्च में। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक एक स्टेट उठा के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर मैं घूमने जाता तो कौन सी चीज़ें मैं यहाँ पे देखता, ठीक है। तो थोड़ा सा एंजॉय भी करना होगा आपकी अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। अगर सोर्सेस की बात करूँ तो मेरे जो सोर्सेस है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने एनवायरनमेंट के लिए पढ़ा था, शंकर आईएएस के जो एनवायरनमेंट के नोट्स आते हैं वो मैंने रेफर किया था, प्लस मैंने कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोज देख ली थी रिलेटेड टू टॉपिक को उठा के, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है और उन्हीं के नोट्स बना के मैंने प्रिपेयर किया है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। उसके साथ में जीसी लियोंग के जो क्लाइमेट वाला पार्ट है वो वहां से मैंने कर लिया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी मैंने ऐसे इस तरीके से प्रिपेयर किया है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने होंगे तो किरण पब्लिकेशन के साथ में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जीसी लियोंग के जो है वो बनाए हैं, वो आप लेकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉलिटी के लिए अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बहुत अच्छी है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इज एवरग्रीन, ठीक है। तो ये तीन सोर्सेस आपके हैं, ठीक है। इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमी का 12th का एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे की समरी आप यूज कर सकते हो। कंपाइलेशन आते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में एक कोई भी रेफरेंस बुक आपको इस्तेमाल करनी होगी, माइट भी वो श्रीराम आईएएस के नोट्स हो सकते हैं, या आपने अगर कभी कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो उसके नोट्स हो सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम प्लस आपके अगर क्लास नोट्स है तो वो वही आपके लिए काफी है। मिडिवल इंडिया के लिए, मिडिवल और एंशियंट इंडिया के लिए आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो 12th बोर्ड की जो बुक है वो आपको काम में आएगी। लेकिन अभी जैसे कल्चर को अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि सीसीआरटी जो बहुत ही बल्की है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आई थिंक अभी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो सीसीआरटी को आपको देखना होगा। करंट अफेयर के लिए मैं विजन आईएएस के मंथली बुकलेट्स को यूज करता था। उसके बाद में अगर आपको साइंस एंड टेक को प्रिपेयर करना है तो मैं तो मंथली बुकलेट से प्रिपेयर कर लेता था, लेकिन आप बेसिक एनसीईआरटी साइंस एंड टेक की, अगर आपको डिफिकल्टीज है साइंस एंड टेक को समझने में, तो आप स्पेसिफिकली वो पार्ट दे सकते हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, या आप इस तरीके के जो पार्ट है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। या आपको इसरो की वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा, नासा की वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा। ये सोर्सेस आपके मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप काम ये करिए कि आप है ना हर बार जाके मार्केट से बुक मत खरीदिए। एक बार आपके रिसोर्सेज की आपने लिस्ट फाइनलाइज कर ली, जब तक ये 3 बार पढ़कर नहीं हो जाता तो अपने आप से पूछना है कि मैंने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जब तक ये पढ़कर नहीं हो जाता कोई नई बुक खरीदनी नहीं है, ठीक है। कि जैसे कि आपको क्या करना है कि इतनी बुक्स आपके टेबल पे रखनी है, जब तक ये नहीं हो जाती बाकी सारी बुक्स या तो अलमारी में रख देनी है या तो रूम से बाहर निकाल के रख देनी है, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा आपका बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, लेकिन कुछ भी आपका होगा नहीं अगर आपने इससे बड़ी लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दी तो, ठीक है। पहले बेसिक ये कर दो, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी में मैं एक चीज मिस कर गया हूँ, वो है एटलस। एटलस आपको मैप्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हर साल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जब आपने रिसोर्सेज डिफाइन कर लिए तो उसको आपको मिनिमम 3 बार पढ़ना है, ये एक फॉर्मूला है। मिनिमम 3 बार जब तक कोई बुक पढ़ के नहीं होती तो उसके बारे में फिर से रिसोर्सेज आपको बार बार नहीं पूछना है। मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने देखा होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसी इंफॉर्मेशन यूपीएससी ने पूछा है, वैसी ही इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है आपके नोट्स में, ठीक है। उसी को माइक्रो नोट्स कहा जाता है, ठीक है। जब आपने
सबसे पहले सिलेबस को डिकोड कर दिया, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लिया, आपने रिसोर्सेज डिफाइन कर लिया, 3 बार रिसोर्सेज को पढ़ लिया और उन पे माइक्रो नोट्स बना दिए। फिफ्थ स्टेज आती है आपकी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपने चाहे बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की तो मुझे लगता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी और जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और सॉल्यूशन पढ़ते वक्त आप ये देखो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो आपने जो है तो उसको सही करना है, ठीक है। और उसमें जो है तो टेस्ट सीरीज से भी आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखनी है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेज आती है जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया। सिक्स्थ स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जिसमें सारे लोग, बहुत सारे लोग फेल होते हैं, वो है आपका रिवाइज, री रिवाइज एंड कंटिन्यूअसली रिवाइज, ठीक है। रिविजन इज द की। यूपीएससी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बहुत सारे लोगों को जो इसमें लैक करते हैं वो है रिविजन, ठीक है। किसी ने लिखा है कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, ठीक है। तो खैर रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और आपको बार बार रिसोर्सेज बदलने नहीं है। देखो आपने बहुत बार ये कोट सुना होगा कि किसी चीज को एक हजार चीज को एक बार करने से अच्छा है कि आप एक चीज को 1000 बार कर लो, आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे। अगर वहां से क्वेश्चन आया, स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आया, आपके रिसोर्सेज से क्वेश्चन आया, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये 6 स्टेप अच्छे से इंप्लीमेंट कर दी तो आपका लास्ट स्टेज आता है नाउ परफॉर्म इन लाइक एग्जाम, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में जीएस से रिलेटेड तो हमने ये बातें कर ली, लेकिन आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है ट्रिक्स, ठीक है। वो ट्रिक्स ये है कि आपको प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते वक्त ये याद रखना पड़ेगा कि एलिमिनेशन मेथड आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड पे आप कीजिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को, अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं भी पता है लेकिन मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में हमने करते हुए देखा है और आप इसको मास्टर कर सकते हो थोड़े दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करके, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। क्योंकि हमारा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस जो विजडम होता है हमारे नॉलेज का, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपका सीसैट है, क्योंकि आप देखोगे दिन ब दिन जो है तो सीसैट जो है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो सीसैट के लिए आपको क्या करना है कि पिछले 5 या 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या आपका कॉम्प्रीहेंशन की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो अच्छी है या नहीं है। आपको बार बार इस पे ध्यान देना है कि आप कॉम्प्रीहेंड चीजों को किस तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सीसैट क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप गवर्नमेंट की कोई भी फाइल देखोगे, जब हम आज सर्विस में हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी फाइल जब आती है तो वो बहुत लेंदी होती है, बहुत बल्की होती है, ठीक है। तो उसमें से सही मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मीनिंग आपकी गलत उठा ली तो आपका केस बन सकता है, अगर जो केस पार्टी, या जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होते हैं उनके अगर केसेस आते हैं, उनकी फाइल आती है आपके पास में, अगर आपने गलत मीनिंग निकाल दिया तो जब केस ट्रिब्यूनल में जाएगा या कोर्ट में जाएगा तो आप हार जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड करना अच्छे से सीख ले। आप गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पढ़ के देखो कोई भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो उनको समझना आपको आना चाहिए, इसलिए कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा सीसैट के लिए, ठीक है। आप जो उसमें रीजनिंग आती है उस पे थोड़ा वर्क कीजिए, ठीक है। सिंपल सिंपल मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे वर्क कीजिए। और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि सीसैट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल यू शुड प्रिपेयर अबाउट इट, ठीक है। किसी ने पूछा है कि क्वेश्चन न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए जिसमें आप जो है तो पढ़ते वक्त में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, या तो एक तो टॉपिक कौन से सिलेबस के पार्ट से आ रहा है, दूसरा आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज पे आप वर्क कीजिए, आप वहां से बहुत अच्छे वर्ड्स सीखिए, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पीटी और मेंस और इंटरव्यू की कोई सेग्रीगेटेड प्रिपरेशन नहीं होती है, तीनों इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे कोई भी पार्ट को आप इग्नोर मत कीजिए, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस साल देखोगे यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, आप देखोगे कि उन्होंने इस बार जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें
18 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, एनवायरमेंट पे पूछे हैं 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी पे पूछे हैं 8 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक पे पूछे हैं 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी पे पूछा है 18 क्वेश्चन, एंशियंट इंडिया पे 4, मेडिवल पे 2, आर्ट एंड कल्चर 4, मॉडर्न इंडिया 9 और करंट अफेयर ओनली 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो आपको प्रिपेयर करना है। पॉलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी सोर्स बता दिया है, हिंदी मीडियम के लिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल अप्रोच तो इस तरीके से ही रहेगा कि आप ये 6-7 स्टेजेस में प्रिपेयर करें, जो 6-7 स्टेजेस मैंने आपको पहले से बताई है। ठीक है, अभी जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में बहुत सारे लोगों को ऐड किया था, इस सेशन में भी मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे के लिए बात करूंगा, उसके बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो मैं अभी कुछ लोगों को के साथ में बात करना चाहूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है और प्रिपेयर्ड है तो आप जो है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ऐड करूंगा यहां पर। मैथ का स्पीड कैसे सॉल्व करके प्रैक्टिस, वीडियो को सेव करके मैं फिर से IGTV पे अपलोड कर दूंगा। करंट अफेयर की डिटेल स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर की डिटेल स्ट्रेटेजी आप देखो क्या है कि एक तो ट्रेडिशनल सोर्स है कि आप जो कंपाइलेशंस है उन कंपाइलेशंस को आप यूज करें, जैसे विजन है या जो भी और मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेस है, वो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।